प्रतापगंज में गौरव सेनानी संगठन के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से शुक्रवार को दोपहर 211 बटालियन ने रिटायर्ड कैप्टन आत्मा सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर वार्ता की। बता दें कि 211 बटालियन पिथौरागढ़ से रुद्रपुर तक सभी शहरों में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के संगठनों से मुलाकात कर रही है। ऐसे में उनकी जीवन शैली और वर्तमान की स्थिति में परेशानियों को सुना जाता है। इसके तहत ही आर्मी रूल के हिसाब से जो बिंदु नोट किए गए हैं वो उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। वहीं गौरव सेनानी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन आत्मा सिंह ने बताया कि आर्मी ऑफिसर्स की बटालियन मिलने आई, हमें बहुत खुशी है, हमारी समस्याओं को सुना गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गौरव के पल से कम नहीं था। वहीं रिटायर्ड आर्मी मैन आनंद भट्ट ने एमकेएन न्यूज का धन्यवाद करते हुए बताया कि रिटायर होने से पहले हम लोग भी बटालियन के साथ रिटायर्ड ऑफिसर से मिलने जाते थे। आज आर्मी की बटालियन हम सभी रिटायर्ड ऑफिसर से मिलने आई और उनसे मुलाकात कर हम गौरवान्वित हुए हैं। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। हमारे को बहुत खुशी हुई है कि जो रेगुलर आर्मी से थोड़ा 119 माउंटेन ब्रिगेड के एक टुकड़ी जिसमें एक लेफ्टिनेंट, दो जेसीओ और कुछ जवान यहाँ से साइकिल एक्सपीडिशन जो उन्होंने रंभ किया था आज हमारे पास आए। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी आकर के जो भी कोई दुख तकलीफ थी उसको सुना और उन्होंने वादा किया है कि हम ये जो आपकी भी जो समस्या है उनको समाधान जरूर कराएंगे और यही उनका और जो नेक्स्ट टाइम पर बोल रहे थे कि हम जब नेक्स्ट टाइम पर आएंगे तो हम ज़्यादा टाइम दे करके आपको आपके और भी आदमी को एकत्र करके उनकी समस्याएँ सुनने की कोशिश करेंगे। जो टुकड़ी वहाँ पर गई थी आई थी यहाँ से जो है पिथौरागढ़ से चल के आए थे, उसके बाद जो भी उन्हें जो है जगह मिली जैसे कि चंपावत आए, जनकपुर आए, खटीमा, बनबसा, ननकमत्ता, सितारगंज से होते हुए पूरे रुद्रपुर तक जाएंगे। तो मेन जो मकसद था उनका यही था कि हम लोग जैसे पेंशन आ जाते हैं पूरी आर्मी के जो भी लोग जगह जगह पर बैठे हैं तो उन्होंने एक सूचना कर दी कि हम लोग आ रहे हैं, अगर किसी की समस्या हो, किसी कॉमन समस्या हो तो वो समस्या हमको दें। तो हमारी उनसे जो साहब से बात हुई थी तो साहब जो है 211 के जो साहब थे लेफ्टिनेंट साहब, तो साहब ने बताया कि आप जो भी पॉइंट हैं हमें दे दो, हमने कुछ पॉइंट उन्हें दे दिए हैं, बाकी कुछ पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी भी कोई पॉइंट हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें भेज देंगे तो उन्हीं पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि जब हम भी जो है सेना मध्य में साहब से बात कर रही और जवानों से बात करी कि जब आप जब हम सर्विस करते तो हम भी ऐसे ही एक्सपीडिशन, क्रॉस कंट्री, घाट तक कंपटीशन ये करते थे।